हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता। मेरे चैनल इंडियन फूड भारतीय खाना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कम समय बनने वाले दही बल्ले बनाना बता रही हूँ। ये दही बल्ले ब्रेड से बनते हैं, ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप दही बल्ले खाना चाहें इनको बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट और शेयर करें। दही बनाने के लिए हमें किन किन सामान की ज़रूरत पड़ती है, मैंने 6 ब्रेड लिए, इनके किनारे कट कर लिए। एक ब्रेड से एक दही बल्ला बनता है। थोड़ा सा दूध, हींग और नमक। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड का बूरा बना लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में डालकर भी बूरा बना सकते हैं इसका। हम हाथों से ही बना लेंगे, हाथों से ही बन जाता है आसानी से। हम सारी ब्रेड का ऐसे ही बना लेंगे बूरा। हमने ब्रेड का बूरा बना लिया। अब हम इसमें नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा कम नमक कर सकते हैं। चुटकी भर हींग, हींग से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और ये डाइजेशन के लिए भी हींग अच्छा होता है। अब हींग और नमक मिला लेंगे हम अच्छे से। अब थोड़ा दूध डालकर हम इसका डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे। हम आटे की जैसे तैयार कर लेंगे इसको। हमने उसको हाथों से मसल मसल कर डो बना लिया है, सॉफ्ट डो है ये। अब हम इसके बल्ले बनाएंगे। हमें जितनी साइज के बल्ले बनाने, हम उतना मिश्रण हाथ में लेंगे। छोटे ही बनाएंगे क्योंकि फूल जाते हैं। गोल गोल बना लेंगे हल्के हल्के हाथों से, इनमें एक भी क्रेक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फ्राई करते समय फूट जाते हैं ये। हल्के हल्के हाथों से गोल गोल बना लेंगे हम। ऐसे दूसरा तैयार कर लेंगे हम। ये दही बल्ले खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही कम समय में बन जाते हैं। हम ऐसे सारे बना लेंगे। हमने सारे बल्ले तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करने के लिए तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें डाल देंगे बल्ले। गैस को मीडियम लो फ्लेम पे रखेंगे हम। अब इनको थोड़ा सिक जाएंगे तब पलट देंगे हम। इनको चारों तरफ से पलट के सेक लेंगे हम। हमने चारों तरफ से पलट के इन गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है, इनमें अच्छा सा कलर आ गया। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम इनको सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़ा सा पानी लेते हैं। हल्का गुनगुना है, अब इसमें डाल देंगे ताकि थोड़ी देर में ये सॉफ्ट हो जाएं। चाहे तो हम ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। अब इनको 2-3 मिनट तक ऐसे छोड़ देंगे ताकि सॉफ्ट हो जाएंगे। हमारे बल्लों को 2-3 मिनट हो गई, ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब थोड़ा एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे हम। सर्व करने के लिए हम कटोरी में डाल देंगे इनको। अब इस पे दही डाल देंगे थोड़ा सा। थोड़ी इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी, इससे बहुत अच्छे लगते हैं दही बड़े।
थोड़ा सा नमक सेंधा, थोड़ी सी लाल मिर्च, मसाला आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं आप, भुना हुआ जीरा, हमारे कम समय में बनने वाले दही भल्ले तैयार हैं। आप इस रेसिपी से दही भल्लों को बनाकर जरूर देखें, आप सबको बहुत ही अच्छे लगेंगे।